दोस्तों आज हम जानेंगे कर्नाटक में स्थित मुरुदेश्वर मंदिर के बारे में। दोस्तों कर्नाटक में स्थित यह भव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और दोस्तों यही भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर कांडुका पहाड़ी पर बना हुआ है और तीनों ही ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर स्थित शिव प्रतिमा की विशालता सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। दोस्तों मंदिर संपूर्ण रूप से जटिल और बहुत ही सुंदर नक्काशी से ढका हुआ है। दोस्तों गर्भगृह को छोड़कर मंदिर परिसर का आधुनिकीकरण हो चुका है। दोस्तों मंदिर के मुख्य देवता श्री मृदसार लिंग है। दोस्तों उन्हें मूल आत्मलिंग भगवान शंकर का एक हिस्सा माना जाता है। दोस्तों दूर से दिखाई देने वाले भगवान भोलेनाथ की विशाल और भव्य प्रतिमा को देखने के लिए तीर्थयात्री दूर दूर से आते रहते हैं। दोस्तों कर्नाटक और केरल के लोगों के लिए यह एक पसंदीदा पिकनिक स्थान है। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं इसी मंदिर के बारे में सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए एक छोटे से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों मुरुदेश्वर भगवान शिव का ही एक नाम है। इस मंदिर की सबसे खास बात तो यह है कि इसके परिसर में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति है जिसे दुनिया की दूसरी सबसे विशाल और ऊंची मूर्ति माना जाता है। दोस्तों भगवान शिव की इस विशाल मूर्ति की ऊंचाई करीब 123 फीट है। दोस्तों इसे इस तरीके से बनाया गया है कि दिन भर सूर्य की किरणें इस पर पड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से यह मूर्ति हमेशा चमकती रहती है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसे बनाने में करीब 2 सालों का वक्त लगा और करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से यह मूर्ति बनाई गई है। दोस्तों इस खास मंदिर को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते रहते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं मुरुदेश्वरा मंदिर की कथा के बारे में। दोस्तों मुरुदेश्वरा मंदिर में भगवान शिव का आत्मलिंग भी स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जब अमरता का वरदान पाने के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर रहा था तब भगवान शंकर जी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे एक शिवलिंग दिया जिसे आत्मलिंग कहा जाता है और उसे कहा कि अगर तुम अमर होना चाहते हो तो इसे लंका ले जाकर स्थापित कर देना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसे तुम जिस स्थान पर रख दोगे ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। और दोस्तों भगवान शिव के कहे अनुसार रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया जिससे वो शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। इससे रावण को बहुत ही क्रोध आया और उसने शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया और इसी क्रम में जिस वस्त्र से शिवलिंग ढका हुआ था वह मृदेश्वर के कांडुका पर्वत पर जा गिरा। मृदेश्वर को ही अब मुरुदेश्वर के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। दोस्तों मुरुदेश्वर मंदिर और राजगोपुरम या गर्भगृह को छोड़कर मंदिर का आधुनिकीकरण हो चुका है। मंदिर परिसर में मंदिर और 20 मंजिला राजा गोपुरम है। दोस्तों मंदिर एक चौकोर आकार के अभयारण्य की तरह है जिसमें लंबे और छोटे शिखर हैं जो कुटीना प्रकार के हैं। दोस्तों हम लोग मीनार के शीर्ष पर मिनी मंदिरों और गुम्बद को देख सकते हैं। दोस्तों मंदिर में महाकाव्य रामायण और महाभारत के दृश्यों को उजागर करती कई मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उसमें सूर्य रथ, अर्जुन और भगवान कृष्ण हैं। दोस्तों मंदिर के प्रवेश द्वार पर हाथियों की 2 विशाल मूर्तियां हैं। दोस्तों यह मंदिर बहुत ही आधुनिक दिखाई देता है क्योंकि उसका पुनः निर्माण हाल ही में हुआ है। दोस्तों गर्भगृह में अंधेरा और देवता श्री मृदेश्वर लिंग है, उनको प्रसिद्ध रूप से मुरुदेश्वर कहा जाता है। दोस्तों मुरुदेश्वर मंदिर को जटिल और बहुत ही सुंदर नक्काशीदार बनाया गया है। चलिए दोस्तों आप जानते हैं मंदिर में दर्शन करने के सबसे अच्छे समय के बारे में। दोस्तों मुरुदेश्वर मंदिर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मई के बीच में माना जाता है। मुरुदेश्वर मंदिर में शिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है जो कि फरवरी और मार्च के दौरान आता है। शिवरात्रि के अवसर पर भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में आते हैं। दोस्तों मुरुदेश्वर मंदिर और भगवान शिव के दर्शन के लिए 2 से 3 घंटों का समय पर्याप्त होता है। दोस्तों क्या आपने हमारी अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर वाली वीडियो देखी है? अगर नहीं देखी हो तो उसे भी जाकर जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं यहाँ की पूजन अर्चना के बारे में। दोस्तों सुबह के समय सभी लोग सुबह 6 बजे से 1 बजे तक भगवान के दर्शन कर सकते हैं और 6:30 से 7:30 बजे तक पूजा और 6 से 12 बजे तक रुद्राभिषेक। अब दोस्तों दोपहर की बात करते हैं। दोस्तों दोपहर में 12:15 से 1 बजे तक पूजा, 1 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है और फिर दोपहर 3 बजे से 8:15 तक सभी भक्तगण दर्शन कर सकते हैं और साथ ही 3 बजे से 7 बजे तक रुद्राभिषेक और इसके बाद शाम की पूजा का समय 7:15 से 8:15 तक होता है। चलिए दोस्तों आप जानते हैं आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मुरुदेश्वर मंदिर का हवाई मार्ग से संपर्क नहीं है, लेकिन मुरुदेश्वर मंदिर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा मंगलोर है।
जो कि लगभग 159 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि मुर्देश्वर जंक्शन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। बता दें कि मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन से मुर्देश्वर मंदिर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको बता दें मंदिर सड़क के माध्यम से आसपास के सभी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों इसी तरह की आगे भी जानकारी पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों ये थी मुर्देश्वर मंदिर की समस्त जानकारी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।